वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोती भैया। मेरा नाम है गौतम। आज 16 जून फ्राइडे है, सुबह उठ चुका हूँ, नाना धोना हो चुका है, चिकन लेके आया हूँ। आज चिकन बिरयानी बनेगा, भैया बनाएंगे, तो मतलब कुक वाले भैया। अभी मैं वर्ल्ड फेमस मैगी जो मेरे हाथ का बना रहा हूँ, देखिए अभी मेरा वर्ल्ड फेमस मैगी बनने के लिए रेडी हो चुका है। 5-6 मिनट में बन जाएगा, थोड़ा ज़्यादा पानी हो गया, फिर भी वर्ल्ड फेमस ही है। पूरा रेडी, अब थोड़ा पानी सूखेगा तो प्लेट में निकाल दूंगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा वर्ल्ड फेमस मैगी कैसे बनाता हूँ। ज़्यादा पानी हो गया तो आपको मैगी को थोड़ा ऊपर कर देंगे तो पानी जल्दी जल्दी सूख जाएगा। ये मेरा ट्रिक है, कोई सेफ बताया नहीं मुझे, तो मेरा ट्रिक है, सीख लो सब लोग। और उधर थोड़ा, अगर उधर ज़्यादा रखेंगे तो गर्म गर्म की वजह से, कढ़ाई गर्म होना जाता है, उधर वजह से वो नीचे लग जाएगा, मतलब जो मैगी वगैरह चिपक जाएगा। तो थोड़ा फिर ऐसे करके, फिर ऐसे थोड़ा, देखो पानी पूरा उबल रहा है, मतलब धूप अब झाग बन के चल, झूप मतलब धूप नहीं सॉरी, पानी ज़्यादा उबल रहा है, मतलब अभी पूरा हवा, मतलब क्या बोलते हैं वो अभी, हाँ देखो उड़ रहा है पानी, सब चला जाएगा। ज़्यादा गर्म होते तो पानी चला जाता है ना, तो वही अब देखो पानी का जो क्वांटिटी है वो भी कम हो रहा है। देखा मेरा टेक्निक, बनाऊंगा खाऊंगा, फिर वीक ऑफ है आज भाई। फ्राइडे सैटरडे वीक ऑफ है मेरा। संडे मैंने लास्ट में कॉम्प ऑफ किया था, फ्राइडे को काम किया था, तो ये संडे भी छुट्टी है मेरा। तो आज का ब्लॉग बस मैगी के नहीं और कुछ है, और मैं विशाल रेस्टोरेंट भी गया था रसगुल्ला लाने, ला के आया हूँ, उस दिन रात को खा नहीं पाया था, तो आज लेके आया हूँ सुबह सुबह ही, थोड़ी दिन के टाइम में वो खाऊंगा। आज बिरयानी भी बनेगा, तो बस डायरेक्ट प्लेट में दिखाता हूँ कैसे बना है मेरा वर्ल्ड फेमस मैगी। बन के रेडी हो चुका है, थोड़ा सूपी टाइप रखा हूँ मैं, उसमें बहुत सारा सीक्रेट मसालों के साथ मैं मैगी बनाया हूँ। बहुत सारे सीक्रेट मसाला जो कि सीक्रेट ही है, बहुत जो बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो टेस्ट अगर वो बता दूंगा तो दूसरा कोई बना लेगा, वो टेस्ट आ जाएगा। तो अभी खाऊंगा, तारक मेहता चलेगा, मिलता हूँ, बिरयानी दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, थोड़ा बहुत दिखाऊंगा क्योंकि उनको भी थोड़ा फ्री में बनाना चाहिए, बनाएंगे वो, तो थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। तो अब चलो मैगी खाते हैं, मैगी एंजॉय कर। मैं तो वाइट रसगुल्ला इसमें एक निकाल दूंगा अभी, बाद में खाऊंगा और रूममेट को दे दूंगा, बड़े भाई को एक। ओ भाई देखा, तो तब बिरयानी खाने के बाद और एक खाऊंगा, लेकिन अब इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे। फाइनली और एक, मैं तो बहुत, मेरा तो फेवरेट है भाई रसगुल्ला। अभी तो कुक भैया नहीं आया है, जब आएंगे तो दिखाऊंगा वो कैसे बिरयानी बनाएंगे, फिर बाद में मिलता हूँ, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। ସେ ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ସାଇଜ ଭଲ ଖାଇଜ ଭଲ କିଛି ନେଇ ନେଇ ହଉଛି ସବୁ ଛାଡ଼ ଦେଇକି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଭୈୟା ବିରିୟାନୀ ବନାକେ ଚଲେ ଗଏ ହେ ହାଏ ହାଏ ଡାଡ ଆପକୋ ପ୍ଲେଟ ସେ ପ୍ଲେଟ ମେ ଦିଖାତା ହୁଁ ବିରିୟାନୀ ଔର ରାଇତା ରେଡି ଓ ଭାଇ ବିନା ସବ ହୋ ଚୁକା ହୈ ମସ୍ତ ବିରିୟାନୀ ଖାୟା ହୁଁ ମସ୍ତ ସେ ଖାନା ଖାନେ କେ ବାଦ ଅଭି ହମ ଜା ରହେ ହୈ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଦେଖନେ ब्रुकफील्ड मॉल में जो आइनॉक्स है। तो अभी मैं और बड़े भाई जाएंगे, मतलब मेरा दोस्त, तो बस चलिए डैड दिखाता हूँ। फाइनली अब मूवी टाइम। मूवी जाके रूम में आया हूँ, मूवी जाने के बाद स्टार गए थे कुछ रूम के लिए, जो राशन वगैरह मैगी वगैरह खरीदने के लिए। मैं और बड़े भाई जो वो मेरे एज से बट लाइक बड़े हैं, तो इसलिए मैं उनको बड़े भाई बुलाता हूँ, दोस्त टाइप की है, दोस्त ही हैं भाई जैसा। तो मूवी की बात करें तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार,
मुझे ट्रांसफॉर्मर सच में बहुत अच्छा लगा, उनको इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे मानना ये है कि सबको सबका अपना अपना ओपिनियन होता है किसको क्या अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा, मेरा तो मूड फ्रेश हो गया, बचपन की यादें आ गया भाई, मतलब सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस अभी कुक भैया आएंगे, फिर परोठा या रोटी बनाएंगे साथ, फिर डाइट, बस इतना ही था व्लॉग में। और विश्वजीत का कॉल आया था, कल तो सैटरडे है, कोटिलिंग सर जाने वाले, प्लान फाइनल हो चुका है तो जाएंगे भी, भगवान करे इस बार चले जाएं। तो बस इतना ही था, रात को दिखाऊंगा क्या क्या बनाया खाने में, फिर वहीं पे ब्लॉग एंड करूंगा, ठीक है। सुबह का थोड़ा बिरयानी बच गया था तो अभी स्नैक्स टाइम में थोड़ा खा लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, फिर रात को रोटी खाएंगे। बस बजाय 7:00 बजाय, तो अभी बहुत टाइम है 10 बजने तक, फिर बिरयानी का मज़ा ले लेते हैं, फिर चलिए मिलते हैं। 1 hour later भैया आके खाना बना के चले गए हैं, दिखाता हूँ क्या क्या बनाए हैं। रोटी, और रोटी को थोड़ा ढोक लेते हैं, और इसमें है ओ मिलमिकर, क्या बोलते हैं, सोयाबीन। हाँ, मैं पबजी में घुस गया था थोड़ा, तो मैं देखा नहीं, तो वो जब दरवाज़ा बंद किया तभी मुझे पता चला वो जा रहे हैं। बस अभी डेड प्लेट में निकाल के दिखाता हूँ, बस उसके बाद मैं एंड कर दूंगा ब्लॉग को। से खाना पीना सब हो चुका है, आपको दिखाया क्या खाया, बस इतना ही था आज का ब्लॉग। आई होप यू गाइस विल लाइक माय वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और स्टे सेफ। जय जगन्नाथ। लगता है भोले बाबा कल तो बुला ही लेंगे, मतलब कल तो हम लोग कोटिलिंगेश्वर पक्का जाएंगे। बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।